हेलो भैया, मैं श्याम अरोड़ा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सिट्रॉन C3 इलेक्ट्रिक SUV के बारे में। अब इसका जो इलेक्ट्रिक वेरिएंट हार्डली में लॉन्च हुआ, उसके थोड़े एस्पेक्ट्स की बात करने वाले हैं, प्राइसिंग क्या पड़ने वाली है, एंड टियागो ईवी से कहाँ कम्पीट कर पाती है, टियागो ईवी के कॉम्पिटिशन के लायक है या फिर नहीं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं थोड़ी गाड़ी की जो जो बेसिक स्पेक्स के बारे में है। तो इसके अंदर आपको 57 BHP की पावर देखने को मिल जाती है, उसके साथ 143 न्यूटन मीटर का आपको इसके अंदर टॉर्क देखने को मिल जाता है। मैक्स स्पीड इसकी आपको 107 किलोमीटर की देखने को मिलती है। 0 to 60 एक्सेलरेशन में इसका टाइम लगता है 6.8, पर जब बात करते हैं 0 to 100 की आप बात करेंगे तो इसमें आप अप्रॉक्सीमेटली 16 सेकेंड्स आपको इसको लगते हैं 0 to 100 अगर आप इसको इसको करना है तो। उसके बाद बात करते हैं इसकी मोटर प्लेसमेंट की। अंडर द हुड आपको इसकी मोटर प्लेसमेंट मिलती है। आपको इसकी बैटरी प्लेसमेंट आपको लोअर सिंगल बैटरी पैक जैसे BYD के अंदर आपको देखने को मिलती है, ब्लेड बैटरी टाइप सिंगल आपको इसके अंदर बैटरी पैक देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट फेशिया की। अब ये जो आपको जो इंक्लूडेड है ये फॉग लैंप की हाउसिंग आप एंड फॉग लैंप्स एंड जो साइड में आपको व्हाइट कलर की हाउसिंग एंड ORVM की कवर्स आपको देखने को मिलते हैं, एंड रियर में आपको डिफ्यूजर्स जो देखने को मिलते हैं व्हाइट कलर के, ये सब एक वाइप पैक का पैकेज का इंक्लूडेड है। वाइप पैक के अंदर ये सब इंक्लूडेड आता है एंड इसके 17,000 रुपये कंपनी एक्स्ट्रा चार्ज करती है। एंड सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट फेशिया की। फ्रंट फेशिया में आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको डीरल्स देखने मिल जाती है सिट्रॉन स्टाइल में, एंड यहाँ पे आपको सिंगल हेलोजन लैंप आपको देखने को मिलता है। नीचे आपको फॉग लैंप्स भी हेलोजन में देखने को मिलता है। क्रोम फिनिशिंग आपको ऑल ओवर देखने को मिल जाती है। प्राइसिंग तो सबसे ज्यादा एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल के अंदर। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 195/65 R15 के आपको टायर साइज देखने को मिलता है। स्टील रिम्स विद व्हील कवर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, एंड साइड एंगल आपको नॉर्मल देखने को मिलता है। फेंडर पे आपको इंडिकेटर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए स्पेस देखने को मिलती है जहाँ से आप चार्जिंग पोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ईवी का आपको इलेक्ट्रिक का यहाँ पे बैच देखने को मिलता है, एंड जो इसका चार्जिंग पोर्ट है वो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको इसका चार्जिंग पोर्ट आपको इसका देखने को एक्सेस मिल जाता है, फास्ट चार्जर एंड स्लो चार्जर का दोनों ही आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। उसके बाद गाड़ी के अब थोड़ा इंटीरियर में बात करते हैं, इंटीरियर में क्या क्या देखने को मिलता है। उससे पहले बता देता हूँ आपको बूट स्पेस आपको 315 लीटर का आपको इसके अंदर बूट स्पेस देखने को मिलता है, एंड जो इसका स्लो चार्जर है जो ये आपको कंपनी प्रोवाइड करती है 16 एम्पीयर वाला, इस चार्जर से अगर आप चार्ज करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 10 घंटे आपको चार्जिंग में लगने वाले हैं। रेंज कंपनी ARI क्लेम तो आपको 315 की देखने को मिलती है, 320 किलोमीटर की आपको रेंज देखने को मिलती है, पर रियल लाइफ में बात करेंगे अभी MID में आपको दिखाऊंगा कि कितनी रेंज ऑफर कर रहे हैं, कितनी परसेंट बैटरी पे ऑफर कर रहा है। उसके बाद बात करेंगे तो जैसे टियागो ईवी जो इसका कॉम्पिटिशन है मेन, उसके अंदर आपको स्पेयर व्हील नहीं देखने को मिलता, पर इसके अंदर आपको स्पेयर व्हील भी देखने को मिलता है सेम 15 इंची का जैसे आपको दूसरे टायर्स देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अंदर बात करते हैं आपको क्या क्या ऑफरिंग देखने को मिलती है। नॉर्मल आपको की प्लेसमेंट इसके अंदर देखने को मिलती है, एंड अभी गाड़ी को मैं ऑन कर देता हूँ तो अभी हाल फिलहाल तो गाड़ी न्यूट्रल पे जैसे रेडी लिखा आ गया, पर थोड़े नॉइजी लग रही है व्हेन कंपेयर टू नॉर्मल आपको जो आपकी नॉर्मल आपको टियागो ईवी है। जैसे देख पा रहे हो फ्रंट में आप इसकी DRLs ऑन हो गई है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको पावर विंडो की प्लेसमेंट दोनों की मिल जाती है। यहाँ पे आपको मोड्स देखने को मिल जाते हैं रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव एंड इको, एंड यहाँ पे जो इसका मेन कंपटीशन है टियागो ईवी उसमें आपको रीजनरेटिव मोड देखने को मिलते हैं, बेटे जिसमें आपको कोई रीजनरेटिव मोड देखने को नहीं मिलते। MID आपको जैसी नॉर्मल सिट्रॉन C3 में देखने को मिलती है वैसी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको जब बात करेंगे MID में आपको नॉर्मल आपको बैटरी परसेंटेज एंड रेंज आपको देखने को मिलते हैं, कितने किलोमीटर आपने ड्राइव कर लिया एंड ऑल सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता है। यहाँ पे देख सकते हैं 88% आपको 88.3% आपको बैटरी चार्जिंग देखने को मिलती है, उसमें आपको 198 आपको इसकी रेंज दिखा रही है। तो उस हिसाब से आप एग्जम्पशन लगा सकते हैं 200 to 250 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रियल लाइफ कंडीशन में ड्राइव कर जाएगी इजिली। यहाँ पे आपको स्टिक टाइप कंट्रोल देखने को मिलता है, तो ये थोड़ा लग्जरी फिनिश देखने को मिल रहा है यहाँ पे, एंड नॉर्मल जो सिट्रॉन C3 है वैसे ही आपको देखने को मिलता है। कोई आपको डे नाइट ARVM देखने को मिलता है, ऑटो डिमिंग देखने को नहीं मिलता, बट अकॉर्डिंग टू प्राइस पॉइंट होना चाहिए था। इसकी प्राइसिंग तो मैं आपको लास्ट में स्क्रीन में डिस्प्ले कर दूंगा, एंड डीलरशिप भी सिट्रॉन की मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको कोई भी कार लेनी है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड इनसे पता कर सकते हैं इस गाड़ी के बारे में। एंड बात करेंगे पावर विंडो की प्लेसमेंट, सेंटर के दो आपको यहाँ पे पीछे प्लेसमेंट देखने को मिलती है। यही था इंटीरियर से कुछ लुक इसका गाड़ी का। अब बात करते हैं इसके वारंटी पैकेजेस के ऑन ऑल की, एंड गाड़ी आपको लेनी चाहिए या फिर नहीं, एंड प्राइसिंग एंड ऑल की वो उसके ऊपर बात करते हैं। अब बात करते हैं गाड़ी की वारंटी पैकेजेस की। जैसे देख पा रहे होंगे बैटरी की आपको यहाँ पे 7 ईयर्स की वारंटी देखने को मिल रही है या फिर 1,40,000। इलेक्ट्रिक मोटर की आपको 5 साल और या फिर 1,00,000 किलोमीटर की, नॉर्मल व्हीकल की 3 साल या फिर 1,25 की आपको इसमें यहाँ पे रेंज बैटरी की जो वारंटीज देखने को मिलती है। एंड ओवरऑल गाड़ी की बात करेंगे तो इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 11.5 लाख से इसका बेस एंड मॉडल आपको देखने को मिलता है, एंड इसके टॉप एंड मॉडल की आपको प्राइसिंग में स्क्रीन में डिस्प्ले कर दूंगा। एक्स शोरूम गुड़गांव के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, एक्स शोरूम ओवरऑल आप अपनी स्टेट टू स्टेट आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक कार्स पर कितनी सब्सिडीज एंड ऑल है, उस हिसाब से आप इसकी प्राइसिंग देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे इसका प्राइसिंग कितना पड़ने वाला है। अब सबसे एंड में विडिक्ट की बात करता हूँ तो इस गाड़ी के बारे में अगर आपको रिकन्सिडर करनी चाहिए
नहीं करनी चाहिए, डेफिनेटली आप इसे कंसिडर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक है। जैसे अगर आपको सिट्रॉन में ट्रस्ट है तो आप डेफिनेटली आप इस पर ट्रस्ट दिखा सकते हैं, क्योंकि जो इसकी रेंज क्लेम कर रही है एंड ओवरऑल सिट्रॉन एज अ प्रोडक्ट अब इंडियन मार्केट के लिए इलेक्ट्रिक एसयूवी लाया तो नीड ऑफ द आर है छोटी। अगर इस सेगमेंट में हाल फिलहाल के लिए टियागो है एंड किसी को ऑप्शन चाहिए, किसी को टियागो पसंद नहीं है, थोड़ी टियागो से भी आपको थोड़ी बड़ी आपको इसका डायमेंशन एंड ऑल थोड़ा रोड प्रेजेंस आपको टियागो से इसका बेटर देखने को मिलता है। ये थी एक मेरी छोटी सी राय सिट्रॉन C3 इलेक्ट्रिक के बारे में। होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आई, तो बटो लाइक करो, इसके साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। एज ऑलवेज एंड सबका साथ सबका स्टार्ट। सी यू।